असाइनमेंट नंबर 23 इंपल्स के ऊपर है सारी प्रॉब्लम्स, और इंपल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे, एंड इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, जो इंपल्सिव फोर्स है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स है जो बहुत ही कम टाइम के लिए लगती है और मोमेंटम को क्या कर जाती है, चेंज। ठीक, झटका, एक झटका लगता है और उसी टाइम वेलोसिटी v1 से v हो जाती है या v2 हो जाती है, तो इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स टेंशन हो सकती है, जैसे अगर मान लो स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग को झटका दिया तो एकदम वेलोसिटी, मान लो v1 से दो ब्लॉक्स चल रहे थे और आपने एक झटका दिया तो उनकी उसी टाइम वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। तो जो इंपल्सिव फोर्स है, जिस डायरेक्शन में टेंशन लगती है उसी डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई भी सिस्टम है, ये लो, और ये m1 जैसे क्वेश्चन में गिवन भी है, आपने इसको उठा के m2 को ऊपर किया और छोड़ दिया, तो जब रिलीज करोगे तो झटका लगेगा उस इंस्टेंट पे, तो इंपल्सिव फोर्स लगेगी। और जब फाइनल डायग्राम इसका बनेगा, m1 का और m2 का, ऐसे बनेगा, तो इंपल्सिव फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली इंपल्स की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली टेंशन के साथ ही जाएगी, चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको डायरेक्शन निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंपल्सिव फोर्स टेंशन की वजह से है, क्योंकि टेंशन फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग है जो झटका लगाएगी, तो उसकी डायरेक्शन जे की और टेंशन की सेम हो जाएगी। कई बार नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी चेंज करता है, जैसे सपोज शीट के अंदर क्वेश्चन भी है, एक बॉल आ रही है, इस तरीके से इसको टक्कर मार के जा रही है, तो यहां से इसको एक रिएक्शन लगेगा, तो रिएक्शन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो इंपल्सिव फोर्स जो होगी वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ होगी। तो जो इंपल्सिव, देखो इंपल्सिव फोर्स का मतलब है तो फोर्स ना, जो क्या जनरेट करवा रही है, इंपल्स। तो अगर मैं कहूं टेंशन इंपल्स जनरेट करवा रही है, इंपल्सिव फोर्स क्या होगी, टेंशन। अगर मैं कहूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगा कि उसने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो इंपल्सिव फोर्स कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन तो हमें आती है, टेंशन की डायरेक्शन हमें आती है, हम वैसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसको यूज करके देखते हैं। ठीक, जिस इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं, इसको यूज करके देखते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बस ये याद रखना, जे जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम। सो ब्लॉक ऑफ मास एम एंड अ पैन ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, देन द पार्टिकल ऑफ मास एम फॉल्स ऑन द पैन एंड स्टिक्स टू इट। If the particle strikes the pan with a velocity of v, find the speed with which system moves just after the collision. तो ऐसे कुछ जब पता कैसे लगता है कि ये इंपल्स की प्रॉब्लम है, झटका लगती जब वेलोसिटी चेंज होती है वो इंपल्स की प्रॉब्लम है। कोलिजन की प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। कोलिजन में क्या होता है कि u1 u2 से वेलोसिटीज है, बॉल टकराती है, u3 u4 हो जाता है, पता लग जाता है कि एक झटका नहीं लगेगा, झटका लगने के बाद ठीक है उनकी वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी, उसमें रेस्टिट्यूशन गिवन होते हैं, हमने किए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक, लेकिन इसके अंदर एकदम झटका लगते वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो एकदम झटका लगते चेंज का मतलब है इंपल्स की प्रॉब्लम है। तो मतलब बहुत जो इसकी जो डिफरेंस है ना, बड़ा ही बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, मतलब आपको एक इंस्टेंट में क्लिक करना चाहिए झटके की तरह कि इंपल्स की प्रॉब्लम है। देखो ना, एकदम झटका लगते वेलोसिटी का चेंज होना इंपल्स की प्रॉब्लम है। कोलिजन की प्रॉब्लम इस तरीके की होती नहीं है। कोलिजन की प्रॉब्लम दो बॉल्स की टक्कर होना, उसे पता लग जाता है कोलिजन की, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कोलिजन की प्रॉब्लम पता लगी जाती है, रेस्टिट्यूशंस गिवन होना, तो पता लगता है कि क्या है इसमें। अब ये सारी शीट जो है इंपल्स की है, एकदम हर क्वेश्चन के अंदर झटका लगेगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, तो जे से यूज करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, आपने जितनी भी बॉडीज क्वेश्चन में सिस्टम के अंदर गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी बॉडीज है, कुल मिला के 3 है, एक जो हिट कर रहा है, जिस पे हिट किया, और जो लास्ट बॉडी अफेक्टेड है, तीनों का इंपल्स निकालना है, जे जे एंड जे, तीनों का। एक ने इंपल्स दिया और दूसरे ने लिया, और इस केस में जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, ये याद रखना है। ठीक, जैसे फर्स्ट जो मास है स्मॉल एम, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली ये कुछ ऐसे पैन है
और यहां पर कितने स्मॉल एम है, ये भी स्मॉल एम है, ये भी, चलो मास तीनों की सेम है, स्मॉल एम है। तो स्मॉल एम का मतलब फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, पार्टिकल जो क्या करेगा, हिट करेगा पैन को। तो पहली क्वेश्चन इसके लिए बनेगी। तो ये सपोज कितना इंपल्स लगाएगा इसके ऊपर, J1, फर्स्ट पार्टिकल का इंपल्स J1, और J1 होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है इसका, स्मॉल m की वेलोसिटी कुछ गिवन है इसमें, हाँ गिवन है, स्मॉल m स्मॉल ई वेलोसिटी के साथ आ रही है, ठीक, और आगे गिवन है फॉल्स विद स्पीड और और कुछ नहीं गिवन, स्टिक्स टू इट, ओके ठीक है। स्टिक्स टू इट का मतलब कि इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई, कैपिटल वी, तो जिसने हिट किया उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई, कैपिटल वी। हिट करने के बाद अगर पैन की वेलोसिटी कैपिटल वी है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कैपिटल वी है। तो इस केस में फर्स्ट पार्टिकल को देखना है, पैन को नहीं देखना। फर्स्ट पार्टिकल के लिए इनिशियल या फाइनल मोमेंटम कितना है, या पहले इनिशियल लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी। जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है, एम वी। तो इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम है ना, जितना पहले था जितना अब है दोनों को माइनस कर दो। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कैपिटल एम वी, स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी। ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा ना इसमें, क्योंकि वो तो इंपल्स थोड़ा इंपार्ट कर रहे हैं, आगे दे रहे हैं, तो अपने अपने मोमेंटम को तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, J1, ठीक है यहां तक क्लियर। सेकेंड हम किसके लिए लेंगे, पैन के लिए लेंगे। सेकेंड हम पैन के लिए कंसिडर करेंगे, जो पैन है उसको किसने हिट किया, फर्स्ट ने, और फर्स्ट ने उसको क्या दिया, इंपल्स दिया, कितना इंपल्स दिया, J1। तो J1 इंपल्स पैन को मिला, लेकिन पैन आगे इंपल्स किसको दे रहा है, अगले मास को दे रहा है, नेक्स्ट मास को दे रहा है, कितना दे रहा है, सपोज J2 दे रहा है। तो इसके पास कुल मिला के कितना इंपल्स बचा, J1 - J2। देखो झटका आया, इधर से झटका आया, आगे झटका दे दिया, इंपल्स बेसिकली एक जर्क है ना, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। तो इधर से वो आ रहा है, उसको गेन कर रहा है वो, उधर से वो लूज कर रहा है। तो J1 - J2 और मस्ट बी इक्वल टू कितना, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियली मोमेंटम इसका क्या था, जीरो था, अब मोमेंटम कितना आ गया, एम इंटू कैपिटल वी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है यहां तक। तो इसके पास नेट जो इंपल्स है वो J1 - J2, पैन ओनली, फ्री बॉडी डायग्राम टाइप क्वेश्चन है ये, फ्री बॉडी डायग्राम की तरह बनते हैं इसमें, कि पहले एक मास है तो एक ही मास है, दूसरा मास है तो दूसरा ही मास है, इकट्ठा करना है, फिर अपनी टेक्निक खुद बनाएंगे हम अभी, ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट लग तो इसमें वो भी सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, हिट हुआ सिस्टम आगे गया, वो लगाना मुश्किल है, पता है क्यों, क्योंकि जो सेकेंड बॉडी है वो थर्ड के साथ अटैच्ड है, तो उसको लगाना थोड़ा मुश्किल है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन की एक और प्रॉब्लम है, डायरेक्शन का बड़ा चक्कर है, क्योंकि एक बॉल नीचे एक तो माइनस करना पड़ता है, तो उसमें कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी। इसमें सही है, इसमें बस बड़े में से छोटा इंपल्स माइनस करो, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब थर्ड है, जैसे थर्ड ब्लॉक लो, जो थर्ड ब्लॉक है उसको कितना इंपल्स मिला, J2, और J2 ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी, क्योंकि इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। इक्वेशन नंबर 3 इलिमिनेट करना है यहां से, J1 की वैल्यू यहां, J2 की वैल्यू यहां पुट करो, कितना आंसर आ रहा है, कैपिटल वी की वैल्यू कितनी आ रही है, वी डिवाइडेड बाय 3, कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी बाय 3। ठीक, कई लोग उसको ऐसे भी करते हैं, वो इंपल्स को लेते ही नहीं, वो कहते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी, और फाइनली क्या होगा, फाइनली टोटल मास सिस्टम का आफ्टर कोलिजन एम प्लस एम इंटू प्लस एम, तीन मास हो गए ना, मूविंग वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी बाय 3। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कोई, इंपल्स के बिना ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इंपल्स के साथ सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर हो। कई बार इंपल्सिव फोर्स ही पूछ लेता है वो इंपल्स ही पूछ लेता है, फिर उसमें क्या करोगे, आपको यूज तो कम से कम करना ही पड़ेगा। आज अभी देखना 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको अपने आप चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, देखना जैसे आगे चलेंगे हम। जैसे अभी मोमेंटम कंजर्वेशन में अजीब लग रहा था ना शुरू में, कि मैन जंप कर गया यार कैसे होगा,
तीन चार क्वेश्चन के बाद नॉर्मलाइज हो गया, अभी देखना सेकंड क्वेश्चन करेंगे ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक मास को ऊपर ले गए नीचे रिलीज कर दिया, लो इसे ने इंपल्स ही पूछ लिया, इंपल्स इंपार्टेड बाय अ स्ट्रिंग टू द बॉल इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज टॉट, देखो ये इस केस में ये डायग्राम है, ये 1 मीटर है, जब ये रिलीज होगा तो ये यहां पे आ जाएगा कवरिंग, ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 2 मीटर, 2 मीटर पे कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, अंडर रूट ऑफ 2g इनटू एच, एच कितना है 2, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इनटू अंडर रूट ऑफ g, ठीक, तो इतनी वेलोसिटी से इसे हिट करेगी, ठीक, तो यहां से ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। आपको इसमें क्या निकालना है, जे इंपल्स निकालना है, इस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में करना क्या, ए की तो वेलोसिटी एक्वायर करेगी नीचे आते ही, वो पहले तो वो रेस्ट पे थी, नीचे आते ही उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मास इनटू 2 इनटू अंडर रूट ऑफ कितना जी, वैल्यूज पुट कर लेना, वैल्यूज पुट करके आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 40, मास आपको गिवन है इसमें, हाइट आपको गिवन है, आंसर आ नहीं रहा, मैं समझा नहीं, आप जे वन की वैल्यू यहां पुट करना चाहते हो, जे टू यहां तो पुट करोगे, जे तो आपने खुद एज्यूम किया ना, कितने झटके लग रहे हैं वो तो आप अपने मन में सोच रहे हो, एलिमिनेशन तो आपको जे की करनी पड़ेगी ना, आपको तो वेलोसिटी से मतलब है, आप बीच में इंपल्स को थोड़ा लेके आओगे कि मैंने इंपल्स से क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, मैं तो आपको एक शॉर्टकट बता ही चुका हूं, एमवी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी, बिना इंपल्स के भी तो हो ही गया, क्योंकि कोलिजन हो रही है तो कोलिजन में कंजर्वेशन मोमेंटम तो हो ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको यूज करना चाहते हैं, इंपल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं, बेसिकली आज का लेक्चर इसी के ऊपर है, क्योंकि कुछ टिपिकल प्रॉब्लम इंपल्स के साथ ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखो जब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में किया हुआ है और आपको याद हो, मैंने वो इंपल्स के साथ ही किया था, अब दोबारा लगाओ, फिर से करो, क्या हुआ है, थ्रेड खींचते हैं तो कंजर्वेशन मोमेंटम करते हैं, हाँ एक्चुअली इसका डायग्राम ऐसे बनवाया था मैंने कि अगर सपोज करो ये ए है, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है एल है, बी को खींचा जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो ए बी कुछ इस तरीके से, इनिशियली बी कहां पर था, यहां पर था, और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है इसमें 2L है, ऐसा डायग्राम बनवाया था कि पहले आप बी को टेबल के ऊपर है सारा, आप बी को खींच रहे हो, स्ट्रिंग अभी लंबी है तो ए नहीं चलेगा, ए तब चलेगा जब स्ट्रिंग एकदम क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसे था, तो याद है ये 2L है, ये L है और ये एंगल कितना था थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2L, यानी कि 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कम से कम ये तो पता लग ही गया थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है। और ये U के साथ पुल कर रहे हैं ना, इधर U, ये U है, ठीक, ये U के साथ पुल कर रहे हैं, तो इसमें
हम एक काम करते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी काम करते हैं. मैंने बताया था एक्सिस क्या लेंगे, अलोंग ए बी. तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम ए बी के अलोंग लगाएंगे. तो ए बी के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन में सपोज ये वेलोसिटी कितनी है वी, मान लो ये वेलोसिटी कितनी है वी, और हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, इसका मास कितना है m, इसका मास भी कितना है m, मास इज m एंड m. देखो इसमें ऐसे लगेगा कि सपोज ये एंगल कितना है थीटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस एक्सिस पे क्या हो जाएगी u cos थीटा. तो इनिशियल मोमेंटम इज m u cos थीटा. इनिशियल मोमेंटम तो b की वजह से ना, m u cos थीटा ए बी के अलोंग. लेकिन उस चक्कर में कौन मूव करता है, a और b दोनों मूव करते हैं विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ v, और v की डायरेक्शन भी ऑब्वियसली कहाँ होगी, इस तरफ होगी. तो v इज द फाइनल वेलोसिटी. तो यहां से m u into cos of theta is 2m into capital V, m से m cancel, V is equal to u into cos theta divided by 2, u into cos of कितना 30 by 2, तो root 3 by 4 into u आ गया V. तो V final velocity कितनी आ गई, root 3 by 2. ठीक है यहां तक. अच्छा सपोज करो एक कोई क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछा नहीं है, वैसे पूछना चाहिए था इसको पार्ट, तभी तो शीट का पार्ट है, नहीं तो बिना इंपल्स के सॉल्व हो जाएगा. फाइंड, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड इंपल्सिव फोर्स ऑन ए. इसी के अंदर फाइंड इंपल्सिव फोर्स ऑन ए, इंपल्स की शीट है, इंपल्स नहीं पूछा है, अरे मैंने पढ़ा नहीं, किधर पूछा है, अच्छा फाइन ठीक है, फिर ठीक है, बस फिर तो पूछ ही लिया तो ठीक हो गया. इंपल्सिव टेंशन, और इंपल्सिव टेंशन का मतलब या इंपल्स ऑन ए का मतलब मैंने बताया था, टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो इंपल्स भी इसी तरफ है, झटका यहीं लगेगा ना नीचे की तरफ, ठीक है. और इंपल्सिव टेंशन ऑब्वियसली क्या होगा, ए के ऊपर मास इंटू इसकी नई वेलोसिटी, मास इसका एम है और नई वेलोसिटी कितनी है, रूट थ्री यू बाय फोर. ठीक है यहां तक. तो इसमें इसकी जो वेलोसिटी है, फाइंड द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट. अच्छा अगर मैं ये कहूं फाइंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, बी की फाइनल वेलोसिटी ए की कितनी है, वी, क्लोज केस ए की वेलोसिटी है, बी की फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए बी एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी स्क्वायर वी वी. लेकिन उसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि u उसकी एक्चुअल वेलोसिटी थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक और थी u इनटू साइन थीटा. तो एक्चुअल में अब फाइनल क्या हुआ, इसको मिटा दें, तो इनिशियल कंडीशन थी, ये भी मिटा दें, फाइनली इस तरफ इसकी वेलोसिटी v आई, लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फोर्स ही नहीं है कोई भी. तो नेट आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर प्लस u इनटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ कैपिटल वी हमने निकाला हुआ है कितना, अंडर रूट ऑफ 3 यू बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस यू इन टू साइन ऑफ 30 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लेना, ठीक है यहां तक.
ठीक है यादव, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर एक मास कितने है, 2 mm, दूसरा मास कितने है, m है, और ऑब्वियसली इंपल्सिव फोर्स कहाँ होगी, टेंशन की जगह। अच्छा एक और रह गया, चलो मैं ये कर लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ लो एक बार, 2 mm है और इस मास को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, और इसकी कितनी है, 0। लेकिन एकदम झटका लगेगा तो 2m मूव करेगा विद सम वेलोसिटी v1, एंड जो m है इसकी वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1। झटका तभी लगेगा जो वेलोसिटी सेम होगी ना, पहले तो ये ज्यादा वेलोसिटी से आएगा, फिर एकदम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम होगी झटके की वजह से, टेंशन आ जाएगी उसमें स्ट्रिंग में, तो इसकी वेलोसिटी v1। तो जे 2m बॉडी के लिए, 2m के लिए जे इंपल्सिव फोर्स कितनी लगेगी, इंपल्सिव फोर्स चेंज इन मोमेंटम, इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2m इंटू सिर्फ v1, कुछ किया ही नहीं वो तो रेस्ट पे थी, और मोमेंटम कितना हो गया, 2m इंटू v1, ठीक। और वही इंपल्सिव फोर्स किसके लिए लगेगी, m के लिए, क्योंकि टेंशन सेम है तो इंपल्सिव फोर्स भी सेम है, तो इसमें क्या लगेगी बोलो, चेंज इन मोमेंटम में पहले मोमेंटम कितना था mv, अब मोमेंटम कितना है m इंटू v1। इनको इक्वेट कर लो, सॉल्व करो और चेक करो आंसर क्या आ रहा है, v की वैल्यू कितनी आ रही है एक बार चेक करो, और आपको इसमें यह गिवन है कि h हाइट से इसको घेरा है, तो यहां से सॉल्व करके 2m इंटू v1 इज इक्वल टू m इंटू v माइनस m इंटू v1, 3m इंटू v1 इज इक्वल टू m इंटू v, m से m कैंसिल, तो v1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 3, और v किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 2gh/3, क्योंकि h हाइट से गिर रहा है तो अंडर रूट ऑफ 2gh/3। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पहले करना, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं क्या आगे बने इस क्वेश्चन में, कि अगर मान लो ये पुली है, ये पुली है, यहां पर मास कितने है, m2 है, और यहां पर मास कितने है, m1 है, टेंशन इस तरफ है तो जे इंपल्सिव फोर्स भी इस तरफ है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो तो झटका है, दिखा रहा है कि इंपल्स जाएगा वेव की फॉर्म में, ऐसे झटका लगेगा, हम खुद अज्यूम कर लेते ना झटका लगेगा, तो वो दिखा रहा है कि ऐसे आप इसको खींचोगे, वो स्ट्रेच नहीं है ना, हाँ, तो वो झटका जो है एकदम स्ट्रेच हो जाएगा, तो एकदम वो एकदम टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं, ऐसे बोल लो, और बाद में स्ट्रेच हो गई जब झटका लगेगा, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी सपोज कितनी हो जाएगी v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक। तो यहां पे फर्स्ट मास m1 के लिए इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, j विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस m इंटू v0,
और सेकंड के लिए जे इज इक्वल टू एम इंटू वी टू, क्योंकि इनिशियल तो मोमेंटम इसका जीरो है। इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा रादर वी नहीं, यहाँ पे वी आएगा, वी टू नहीं वी आएगा, तो इक्वेट करोगे, मास भी अलग है। अच्छा ठीक है, तो ये एम टू कर लो और ये एम वन कर लो अब। ठीक है ठीक, तो यहाँ से सॉल्व कर लो और वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, वी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, वो ऐसे ही है, एक्स का कोई लेना देना नहीं होता है इसमें, मोमेंटम के अंदर एक्स का कोई लेना, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी। देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इससे इसके बिना सॉल्व नहीं होंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। इनिशियल मोमेंटम किसने जनरेट किया, एम वन ने, कितना, इतना, जिसकी वजह से एम वन एंड एम टू दोनों को मूव करना पड़ा विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी सीधा आ गया एम वन इंटू वी नॉट अपॉन एम वन प्लस। ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं जरूरी नहीं है कि आप जैसे सॉल्व करोगे, तो आप नॉलेज के लिए ये भी एक तरीका होता है, अदरवाइज आप सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो साइड प्रॉब्लम में तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई भी। माइनस क्यों आ रहा है, अच्छा ऑपोजिट, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार एक मिनट, एनालिसिस कर ले अंदर, इसमें आंसर कितना आ रहा है, एम वन माइनस एम टू आ रहा है इसमें, एक मिनट आंसर चेक, एक इसका आंसर है, हाँ हाँ डायरेक्शन का फर्क होगा, माइनस का फर्क होगा, या तो इसको चेंज कर लो, इसको नेगेटिव लगा लो आगे, इसको ऐसे कर लो एम वन इंटू वी नॉट माइनस एम वन इंटू वी, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लो तो आप चेक करना, अब चेक करना आंसर क्या आ रहा है इसका। तो यहां से m1 into v0 minus m1 into v is equal to m2 into v, तो m1 into v0 is equal to m1 plus m2 into कितना v, तो v is equal to m1 into v0 upon m1 plus एक्चुअली क्या है इम्पल्स, जो इम्पल्सिव फोर्स है वो नेगेटिव नहीं होती, जैसे टेंशन नेगेटिव नहीं होती ना, टी एन टी सेम आएगी, अगर एक के लिए पॉजिटिव दूसरे के लिए भी पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं बड़े में से छोटा माइनस करता जा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली, या फिर आप ऐसे यूज कर लो यार कि चेंज इन मोमेंटम एक रूल बना लो जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, अगर लेकिन ये भी देखो कि अगर ब्लॉक की डायरेक्शन उल्टी जा रही है फिर एक और माइनस लगा देना, दो बार माइनस लगा दो, एक बार आप रूल यूज कर लो चेंज इन मोमेंटम, फिर आप ये देख लो कि डायरेक्शन अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको, अगर कुछ भी नहीं करना तो फिर पहला तरीका वो ठीक था, इनिशियल मोमेंटम बिल्कुल फाइनल मोमेंटम, काम ही खत्म हो गया, तो उसमें डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें एम इन टू अगर राइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा तो भी इसमें नहीं आएगा, नहीं वो मेथड चलेगा नहीं यार, वो मेथड सही नहीं है, इम्पल्स का मेथड ज़्यादा ठीक है, इम्पल्स के मेथड से आपके जो डायरेक्शन की प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगी, ये इम्पल्स तभी इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं पड़ता, इसमें सीधा ही आपको पता है कि जे जो है वो चेंज, आपको पता है टेंशन पॉजिटिव ही है इन एनी केस, तो कहीं ना कहीं से आपने उसको सॉल्व करके अपना आंसर इजी हो जाएगा, एक और करके देखते हैं बिना उसके, और दोनों तरीके से करके देखते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसको करके देखना एक मिनट, फोर्थ एक्चुअली मैं वो बताता हूँ चक्कर क्या है, इसमें अगर आपको और भी कंफ्यूजन हो रही है ना डायरेक्शन की, मैं आपको एक और आसान टेक्निक बताता हूँ, डायरेक्शन का भी झगड़ा खत्म ही हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है,
ठीक है, आप ये सोच भूल ही जाओ कि वी वन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, छोड़ दो। आप ना टेंशन की जगह जे लगा लो, लगा लिया यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें ऐसे करो कि इनिशियली ये बॉडी कैसे मूव कर रही थी, टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, वी नॉट, और इस केस में जे कहां लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जे है तो मोमेंटम ना, और मोमेंटम और फोर्स में तो रिलेशन है, अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, फोर्स। अगर हम इनको टाइम से डिवाइड कर दें तो मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, एफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि ये बॉडी कहां जा रही है, टूवर्ड्स राइट, तो आप इसमें लगाओ एम वन इंटू वी नॉट, जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, जैसे मैं एफ वन फोर्स लगा रहा हूं इधर, एफ वन माइनस जे इज मास इंटू एक्सलेशन, वैसे ही एम वन इंटू वी नॉट माइनस जे, क्योंकि जे मोमेंटम को कम कर रहा है, माइनस जे इज इक्वल टू एम वन इंटू नई वेलोसिटी कितनी है वी। फ्री बॉडी डायग्राम ही बना दिया। तो फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने क्या किया, एम वन इंटू वी नॉट था, जे ने कम किया, फाइनल क्या हो गया, एम इंटू वी हो गया। इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो जे कहां है, टूवर्ड्स इस तरफ है, जे इज इक्वल टू एम टू इंटू, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो मर्जी कर लो यार, क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं। अब तो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट ही ले आए ना हम, और सही भी है क्योंकि जब फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम है तो इम्पल्स का भी, बस आज के बाद स्ट्रिंग के जहां इंपल्स दिखेगा ना, टेंशन की जगह लगाओ जे और लगा दो फ्री बॉडी डायग्राम, छोड़ो डायरेक्शंस को, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता, ये ज्यादा बेटर मेथड है वैसे, ठीक है ना। उसमें तो सोचना पड़ता है यार, मोमेंटम इधर लेफ्ट गया राइट गया लेफ्ट गया, कुछ करने की जरूरत क्या है, सोचो फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लॉज ऑफ मोशन का। ये बॉल यहाँ हिट करेगी, एंगल कितना है इसका, थीटा, और क्वेश्चन है इफ द कोलिजन विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक फाइंड द इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर एंड बाय द फ्लोर। तो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर एन टू, तो जे टू भी कहाँ लगेगा, ऊपर। इस बार इंपल्सिव फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो एन टू की जगह जे टू। सिमिलरली यहां पर क्या लगेगा, जे वन, नॉर्मल रिएक्शन इधर है तो जे वन भी इस तरफ, तो आपको जे वन जे टू निकालना है, यही है ना, जे वन जे टू निकालना है, ठीक है यहां तक। तो अब इसमें एक बार इसको देखो, और ये फोर्सेस कहां लगेंगे, टुवर्ड्स सेंटर है, ये सेंटर की तरफ लेके जाना है सारा, ठीक है, सेंटर की तरफ है ऐसे। तो इसमें अगर ये थीटा है और ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, करो जरा ट्राई, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा,
ठीक, जे वन इस तरफ है, जे वन वेक्टर इस तरफ है, अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, जे वन का एक कंपोनेंट नीचे आएगा कितना, जे वन कॉस थीटा, और एक इस तरफ जाएगा कितना, जे वन साइन थीटा। ठीक, वर्टिकल में कोई और फोर्स है नहीं, तो जे टू इज इक्वल टू जे वन इन टू कॉस थीटा। देखो ना, वर्टिकल में मोमेंटम चेंज नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए, वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ऊपर और नीचे की इंपल्सिव फोर्स सेम है, और इंपल्सिव फोर्स सेम का मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, इधर से वी वेलोसिटी से बॉल आ रही है और वी वेलोसिटी से ही वापस जा रही है, तो बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2mv, याद है mv माइनस माइनस mv 2mv, और 2mv मस्ट बी इक्वल टू j1 into साइन थीटा, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स कितनी है इसमें, इतनी फोर्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर, तो यहां से j1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 2mv by साइन थीटा, j1 को यहां पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, j2 की वैल्यू आ जाएगी, j1 j2 कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद कोलिजंस।